और विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा मिशन मोड में आ चुकी है। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को संबोधित किया। इसी बीच धनबाद विधायक राज सिन्हा ने रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरव रॉय से बातचीत करते हुए कहा कि अमित शाह के आने से कार्यकर्ताओं के बीच ऊर्जा का संचार हुआ है और आज से विधानसभा चुनाव के लिए उलगुलान हो गया है। तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने गुरु मंत्र भी दिया है। इसी बीच हमारे साथ धनबाद से विधायक राज सिन्हा जी मौजूद हैं। राज जी, कैसा महसूस हो रहा है मिश्रा जी ने गुरु मंत्र सभी नेताओं को दिया है और इससे विधानसभा चुनाव के लिए उलगुलान भी हो गया है? बिल्कुल, अमित शाह जी ने उलगुलान किया है, शंखनाद किया है और कार्यकर्ताओं को यह कहा है और कार्यकर्ता यहाँ से जा कर के बिल्कुल झारखंड की जनता के साथ यह जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो बेमेल गठबंधन या ठगबंधन कहिए उसकी सरकार है, जो रोजगार विरोधी सरकार है, जो इस राज्य के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, जो जिस राज्य के अंदर आदिवासियों की लगातार उनका चाहे वो उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हों या लूट हो, मर्डर हो, लगातार उसकी बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना है। और यह जनता ने बिल्कुल संकल्प ले लिया है कि हम कार्यकर्ता जनता की मनोभावना के अनुरूप प्रचंड बहुमत से यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। एनआरसी का मुद्दा लगातार आप लोगों के सहप्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी उठाया है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस पर बोला है, लेकिन वहीं कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं का बयान सामने आ रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ भाईचारा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है भाजपा। ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो रिटर्न प्रूफ है, यह चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि खास करके संथाल परगना में ऐसे जिलों में किस प्रकार से अल्पसंख्यकों के वोट अचानक से हजारों हजार की संख्या में 100% से ऊपर लगभग वो बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ आदिवासी के हिंदुओं के वोट घटे हैं, तो ये तो स्पष्ट है, या कोई छुपा छुपाया तो है नहीं। और हम भी मांग करते हैं चुनाव आयोग जांच करके इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जेएमएम का यह बयान लगातार सामने आता है कि उनके पास चेहरा है हेमंत सोरेन, बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? बीजेपी अकेले की पार्टी नहीं है, कोई परिवार की पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी पिता या पुत्र या बहू या भाई, इसी में से कोई ऐसा नहीं होगा। बीजेपी में अनेक चेहरे हैं और सब सामूहिक नेतृत्व हमेशा बीजेपी चुनाव लड़ती है। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से राज सिन्हा जी के द्वारा यह बयान दिया गया है कि अमित शाह के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी आगामी विधानसभा चुनाव में, रफ्तार मीडिया से विशेष संवाददाता सौरभ राय की रिपोर्ट।